दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं संजय सक्सेना। भाई आज है हमारे सामने महिंद्रा थार। ना ये गाड़ी ना कोई आम गाड़ी नहीं है भाई। आम गाड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना यहाँ पे आप देखो 4x4 का यहाँ पे बेज आता था, अब वो बेज नहीं है भाई। ये ना महिंद्रा ने बहुत ही सही प्राइस ब्रैकेट पर ये गाड़ी लॉन्च करी है। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, महिंद्रा थार 4x2 है ये मेरे सामने, 9,99,000 के एक्स शोरूम पर ये गाड़ी आई है। और भाई मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट महिंद्रा सेक्टर 2 के अंदर आया हुआ था, ये यहाँ पे मैंने गाड़ी देखी, मैंने कहा भाई चलो भाई यहाँ पे इसको शूट किया जाए। आपको ना मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये कार भाई 9,99,000 के अंदर जिस प्राइस में ये गाड़ी हमें मिल रही है ना देखने को, भाई हर एक किसी की ना थार ना ड्रीम कार होती है। ठीक, मानते हो इस बात को, ड्रीम कार होती है। हर कोई बंदा चाहता है भाई कि हाँ थार ज़रूर ले एक ना एक बारी। अपने भी दिल्ली NCR के अंदर थार के फैन फॉलोअर्स हैं भाई, ऑफ रोडिंग वो लोग नहीं करते। ठीक, ऐसे कई लोग हैं भाई, हमें गाड़ी पसंद है लेकिन हम ऑफ रोडिंग तो नहीं करते, हमें सिटी में चलानी है। महिंद्रा थार भाई ये गाड़ी ना रियर व्हील ड्राइव सिर्फ आप लोगों के लिए है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, और भाई थार आप मार्केट में ना कोई भी थार देख लो, किसी की भी थार देख लो, आपको ना वो थार एकदम नई यूनिक दिखेगी क्योंकि हर बंदे ने ना महिंद्रा थार अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवाई होगी। इसका एक रीज़न है भाई, मार्केट में ना आफ्टर सेल्स इतनी सारी एसेसरीज़ हैं महिंद्रा थार के लिए ना भाई, एक से एक बंदा यहाँ पे इसकी एसेसरीज़ को कस्टमाइज़ करवाता है दिल्ली NCR में। तो रियर व्हील ड्राइव में ना यहाँ पे गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं मैं ना आपको ये बताता हूँ। ये जो गाड़ी आती थी 4x4 रियर व्हील ड्राइव आती थी, अभी क्या हुआ, पावर ट्रेन में से गाड़ी की 4x4 हटा के 4x2 किया गया। सबसे पहला चेंज ये है जिसकी वजह से गाड़ी का वेट रिड्यूस हुआ। दूसरा, ये मेरे सामने डीजल इंजन है मैनुअल, ये डीजल इंजन जो है इस इंजन का नाम है D117, जिसकी पावर आती है, पावर हमें 117 PS की हमें देखने को मिल रही है। टॉर्क हमें गाड़ी का 300 न्यूटन का हमें टॉर्क गाड़ी का देखने को मिल रहा है। ये हुआ भाई, गाड़ी में ना इंजन 1500 CC ज़रूर किया गया है लेकिन आप देखो गाड़ी ये रियर व्हील ड्राइव है, तो ओवरऑल जो गाड़ी का वेट है ना तकरीबन 100-125 किलो गाड़ी का वेट कम है। सिटी के यूज़ के हिसाब से एक नंबर परफेक्ट कार है। गाड़ी के अंदर भाई आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, वही वाली थार है ये जैसा पहले आता था। गाड़ी में व्हील बेस अगर मैं बात करूं, 2450 mm का व्हील बेस है, कुछ भी चेंज नहीं है व्हील बेस में, बस गाड़ी का वेट 100 से 125 किलो गाड़ी का वेट यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। तो ये हुआ यहाँ पे पार्ट। अभी आपको ना गाड़ी की चाबी दिखाता हूँ कि गाड़ी की चाबी कैसी है। तो चाबी की अगर मैं बात करूँ ना, गाड़ी की चाबी कुछ हमें ऐसी देखने को मिलती है। तो ये प्राइमरी की है, ये सेकेंडरी की है। तो सेकेंडरी की के अंदर हमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिल रही, प्राइमरी की में हमें ये सेंटर लॉकिंग। भाई रियर में ना थार कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, सेम है बिल्कुल, सारी प्रोफाइल सब डायमेंशन सब सेम है। प्लस कुछ इस तरीके से 50-50 स्प्लिट सीट्स का हमें ऑप्शन मिल रहा है, ये हमें हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स देखने को मिल रहे हैं। गाड़ी के एक बार अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कैसा है अंदर। तो ये कुछ यहाँ पे अंदर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ना आप यहाँ पे देखो बकेट सीट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्लस ये भाई फैब्रिक सीट्स हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये यहाँ पे DIS है। आप देखिए गाड़ी को चाबी लगाते हैं, तो भाई ये कुछ इसका इस तरीके से क्लस्टर हमें देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। प्लस गाड़ी में अगर मैं बात करूँ भाई, ये यहाँ पे ESP को ऑन और ऑफ करने के लिए यहाँ पे हमें स्विच देखने को मिल रहा है, ये हुआ पार्ट। बाकी रियर में अगर हम देखें तो भाई ये सब कुछ सेम हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। प्लस एक चीज यहाँ पे और एड ऑन है, आप ये देखिए, ये यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप एक एड ऑन किया गया है, जहाँ पे 4x4 होता था ना वही वहाँ पे ये कैविटी दे दी है कुछ इस तरीके से। 6-speed का ट्रांसमिशन है भाई, ये थार वही है जो जैसी थार अभी करंट यहाँ पे आती है, सेम बिल्कुल वही है अंदर से। भाई इंजन के बारे में मैं बताता हूँ, ये गाड़ी का हुड है, इंजन की अगर मैं बात करूँ ना तो भाई यहाँ पे D117 हमें यहाँ पे इंजन देखने को मिल रहा है, 1500 CC का 4 सिलेंडर का ये इंजन आता है, जिसकी पावर जो आ रही है वो यहाँ पे 117 PS की पावर है, साथ ही साथ 300 N का टॉर्क है, आप ये देख सकते हैं। तो भाई ये है, अब एक बार गाड़ी को चलाते हैं, ड्राइव रिव्यू करते हैं भाई गाड़ी चलने में कैसे है। जो बात मैंने अभी आपको बताई ना भाई, ओवरऑल गाड़ी का जो वेट है ना 100-125 किलो कम किया है, एक बार गाड़ी को चलाते हैं और फिर देखते हैं। तो भाई गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी को देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए भाई, ये गाड़ी स्टार्ट, आप NVH देखते हैं, पहले लो फ्यूल है, पहले
तो भाई गाड़ी को चलाते हैं, सबसे पहले देखते हैं गाड़ी चलने में कैसी है। भाई डीजल वाली ना जो आवाज होती है ना, मतलब लिटरली भाई महिंद्रा के इंजन ना भाई इतना सही इनका डीजल का साउंड होता है ना, मजा आ जाता है। वो डीजल वाला जो थंप है ना वो यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि देखो ये इंजन 1500 सीसी चार सिलेंडर का है, मैं इसमें ऐसा कंपेयर नहीं कर सकता, बट अगर आप स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जाओगे ना तो डेफिनेटली भाई ये 300 न्यूटन के टॉर्क पे गाड़ी है। प्लस मैंने जैसा पहले बोला था 100-125 किलो गाड़ी का वेट यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। तो चलने में ना जो गाड़ी है ना, देखो यार ठीक है सिटी के हिसाब से, मैंने वही बताया शुरू में, देखो NCR के अंदर आप देखो ट्रैफिक कंडीशन हमारी यहाँ पे कितना ट्रैफिक है। ट्रैफिक में अगर मैं बात करूँ ना भाई, चलाने के लिए बहुत बढ़िया है, इंजन लाइट कर दिया, प्लस पावर ट्रेन वेट उसका कम हुआ है, तो ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी चलने में अभी तक तो सही लग रही, मतलब सिटी के लिए बहुत अल्टीमेट है। ऐसे लोग जितने की मॉडिफिकेशन जिन्हें करवानी है, प्लस गाड़ी की रोड प्रेजेंस आप देखो भाई, गाड़ी यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ चल रही ना, सबसे बेटर रोड प्रेजेंस अपनी थार की दिखेगी, सबसे ऊंची गाड़ी। इवन ये देखो ये मर्सिडीज ई क्लास, कैरेक्टर डिफरेंट है, बट भाई वो सेडान है, ये मेरी SUV है, कितना फर्क है देख रहे हो। तो ये चीज एक अच्छी बात है, इस गाड़ी का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर वही है, प्लस इंजन को भाई कम किया गया है, बिल्कुल मानता हूँ इंजन रिड्यूस किया है CC के अंदर, बट अगर पावर टॉर्क स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखो ना तो भाई गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है। और मॉडिफिकेशन यस, आप इसमें डेफिनेटली आप एन नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन गाड़ी में करवा सकते हो। तो कुछ ये है भाई मेरी तरफ से ड्राइव रिव्यू इस गाड़ी का। देखो आप यहाँ पे NVH भाई कम है, लेकिन थार जैसा SUV कैरेक्टर है, आवाज़ है, थोड़ा है, वाइब्रेशन है बिल्कुल गाड़ी में, लेकिन यस यही चीज़ें इसको कुछ गाड़ी को एक रिजिड, एक यूनिक अपने आप में बनाती हैं। गाड़ी का लिटरली भाई क्लच ना बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइन गाड़ी का क्लच है। तो इंजन ज़रूर यहाँ पे CC में छोटा किया गया है, बट अगर पावर टॉर्क में मैं देखूँ, गाड़ी का वेट जो कम करके पावर टॉर्क को यूज़ किया गया ना, पावर टू वेट रेशियो गाड़ी का अल्टीमेट है। सिटी ड्राइव के लिए ये गाड़ी भाई पास है, आप डेफिनेटली सिटी में चला सकते हो। अगर आप ऐसे हो कि आपको भाई एक गाड़ी के साथ ना एक्सपेक्टेशन है कि आप अपनी गाड़ी को एक हेड टर्निंग डिज़ाइन बनाएं, मॉडिफिकेशन करें, प्लस गाड़ी का रोड प्रेजेंस आपको बहुत अच्छा लगता है थार का, तो भाई जिस बजट में ये गाड़ी आ रही है ना, इससे बेटर और कोई नहीं है। बिना बात का वो 4x4 का पावर ट्रेन को लेके आप खींच रहे हो, वियर एंड टियर हो रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर श्योर आप लोगों के लिए ये गाड़ी है, अगर आप लोग इस टाइप के लोग हो। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड, थैंक यू सो मच। मैं हूँ संजय सक्सेना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। प्लस अगर भाई आप लोगों की भी ना थार ड्रीम कार है तो मेरे को भाई कमेंट्स में बताओ और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।